में शुक्रवार रात सीम, पार्वती और कूनो नदियों में फिर उफान आ गया। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। निचली बस्तियों में पानी भरने लगा और लोग बदहवास होकर अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों के लिए भागने लगे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में हड़कंप मच गया। ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ का कहर श्योपुर जिले से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे बढ़कर शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, ग्वालियर के कुछ भाग और फिर भिंड मुरैना तक पहुंच गया। भिंड मुरैना में बाढ़ बाद में आई और अब पानी उतर गया है, लेकिन श्योपुर अब भी बाढ़ में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश इन दिनों भारी बारिश के साथ ही बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही बारिश के चलते मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ पर नजर बनाए हुए हैं। गांव में अंदर घुस के भी मैंने देखी, महाविनाश हुआ है। इसके पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन नुकसान सीमित होता था। पूर्वक हमने किया कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, बीएसएफ हो, स्थानीय प्रशासन और सबको मिला के लोगों की जिंदगी बचा पाने में सफल हुए, लेकिन मकान टूटे हैं, घर ध्वस्त हुए हैं, संपत्तियों का नुकसान हुआ है, पशु भी बहे हैं, कई तरह के नुकसान हुए हैं। मैंने अभी रास्ते में ही सोचा कि केवल कलेक्टर नहीं, हम एक अंतर विभागीय एक टीम बनाएंगे मंत्रियों की। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राज्य में भारतीय वायुसेना के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़पुरा। आप देखते रहिए न्यूज़पुरा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।